पीएम मोदी 5 नवंबर को जाएंगे केदारनाथ। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। श्री आदि शंकराचार्य समाधि का करेंगे उद्घाटन और प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। अयोध्या में सीएम योगी ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से किया राम जन्मभूमि का अभिषेक। अफगानिस्तान की एक बालिका ने पीएम मोदी को भेजा था जल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में की प्रतिज्ञा रैली। योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका। कहा, किसानों की नहीं सुन रही सरकार। यूपी में किसान प्रताड़ित और त्रस्त हो गया है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी ने जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50% आरक्षण समेत किए कई वादे। जयंत चौधरी बोले, सपा से सीटों पर जल्द होगी फाइनल बातचीत। किसान नेता राकेश टिकैत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का पलटवार। बोले, सदन नहीं मंडियों में बिकता है अनाज। टिकैत अब डकैत बन गए हैं। समीर वानखेड़े के परिवार को मिला रामदास आठवले का साथ। बोले, एनसीबी अधिकारी समीर पर जानबूझकर किए जा रहे हैं हमले। बदनाम करने का षड्यंत्र रोके नवाब मलिक। किसान नेता राकेश ने एक बार फिर सरकार पर बोला हमला। कहा, कृषि कानूनों का अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे, संसद में लगाएंगे गल्ला मंडी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। राजीव बनर्जी ने टीएमसी का थामा दामन। त्रिपुरा में सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में की घर वापसी। दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक मॉल के निर्माण स्थल पर दीवार जही। दीवार गिरने से 3 लोग घायल। नजदीकी अस्पताल में घायल को कराया गया भर्ती। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को हुआ कोरोना। घर में ही खुद को किया क्वारंटीन। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी जानकारी। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।